नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है यानी कि अप्रैल से जून के बीच जो विकास दर है वो 23.9% की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से भारत की GDP की दर पहली तिमाही में 18% तक गिर सकती है। GDP माइनस में गई है और ये किस तरह के संकेत दे रही है, जहां इससे पहले भी कई अर्थशास्त्री इसका अंदेशा जता चुके थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिसका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक पैनल है जिनसे हम बातचीत करेंगे अर्थशास्त्र पर, और साथ ही समझेंगे कि देश की इकोनॉमी आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है, किस किस क्षेत्र को कहां कहां पर नुकसान हुआ है जिसका असर हम GDP के इन आंकड़ों में देख रहे हैं, और साथ ही जो हम $5 trillion इकोनॉमी का सपना सहेज कर रखे हुए हैं वो सपना हमसे कितना दूर हो गया है इन नंबर्स के आने के बाद, इन आंकड़ों के आने के बाद। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ हैं राहुल लाल जी, आप अर्थशास्त्री हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं इस वक्त यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यामिनी IIF की प्रोफेसर फाइनेंस है, आपका स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर संजीव लायक, आप कार्यकारी सचिव हैं वास में यानी वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले यामिनी जी, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगी क्योंकि किस तरह से आंकड़ों को पढ़ा जाता है ये आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताती होंगी, और कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि GDP में अपना रोल निभाते हैं, और जब ये अर्थ का पूरी इकोनॉमी का पहिया रुकता है तो कुछ इस तरह के नंबर आते हैं। तो जो GDP की इस वक्त जो स्थिति है उसे आप कैसे रीड कर रही हैं? जी देखिए, GDP का जो गिरावट है वो बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, मार्च के बाद से लॉकडाउन है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई है, और फिर उसके बाद उसको स्लोली खोला गया, जिसमें भी अगर आप अभी देखें तो इकोनॉमी का जो पहिया है या चक्र चल रहा है 30% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जा रही है, जहाँ पे लोग अभी भी ज्यादातर अपने घरों से काम कर रहे हैं या ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जहाँ पे एक लॉकडाउन का असर नहीं देखा गया था वो है एक एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, पर बाकी सारे सेक्टर चाहे आप इंडस्ट्री कहें, सर्विसेज कहें, उनमें काफी ज्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन का। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे आप होटल्स कहें, टूरिज्म कहें, इंटरनेट फ्लाइट कहें, एविएशन कहें, वो तो बिल्कुल ही बंद पड़ी हैं। तो GDP के नंबर्स की बात की जाए तो वो दिखाती हैं कि आपका आउटपुट कितना बड़ा है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है या बहुत कम पे चल स्तर पे चल रही है, इसकी वजह से ये GDP के नंबर्स बहुत ही स्वाभाविक हैं। लेकिन ये नंबर स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हैरान करते हो, और सवाल ये भी है कि क्या महज लॉकडाउन की वजह से ये नंबर हमें देखने को मिले हैं, ये कि लेकिन या फिर जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो कोरोना काल से पहले भी कुछ इसी तरह के नंबरों की तरफ इशारा कर रही थी और GDP लगातार गिर रही थी, 5% से गिरकर 3 तक भी आई और उससे नीचे भी लुढ़की। तो राहुल लाल जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ये जो स्थिति और ये नंबर है क्या हैरान करने वाले हैं, या फिर कोरोना काल से पहले और बाद की स्थिति को ऐसा देखकर अनुमान लगाया जा रहा था? देखिए, जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले नहीं है, हालांकि 20% तक का अनुमान अधिकांशतः हर कोई लगा रहा था, लेकिन ये लगभग -24% के पास पहुंचा है, तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए चौंकाने वाली चीज है। अच्छा, देखिए, कोरोना का प्रभाव दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन समझने वाली चीज है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती के दौर में थी। जी, अगर हम देखें इस समय 2016-17 के फर्स्ट क्वार्टर में इसी सरकार में हम लोग का ग्रोथ रेट 9% था, 16-17 में, फर्स्ट क्वार्टर का कह रहा हूँ। लेकिन देखिए लेकिन जब उसी साल जो है कि नोटबंदी आता है तो हम लोग देखते हैं कि 8.2% हो जाता है 16-17 का, और फिर उसके बाद 8.2% के बाद 7% आता है, फिर 6%। हम लोग देख रहे हैं कि वहां से जो गिरावट आनी शुरू होती है वो गिरते हुए ये लास्ट जो है कि ये, यानी अगर हम लोग इस साल का जो फर्स्ट तिमाही के आंकड़े जो आते हैं वो उसमें हम लोग 3% का ग्रोथ रेट हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं वो 9% से 3% के से गिरते हुए उस जगह पे था। अगर कोरोना नहीं होता, ठीक है कि हम लोग -24 पे नहीं आते,
लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कोई बहुत ही शानदार ऊपर स्तर पे होती इसकी भी उम्मीद पहले से नहीं थी। एक तो ये चीज है, यानी देखिए आपके पास एक संकट की स्थिति आई और आप पहले से थोड़े कमजोर हालत में थे, उस संकट ने आपको और खतरे में डाला, ये इस आंकड़े की प्रथम दृष्टिया तो मतलब निष्कर्ष इसमें निकाल सकते। बिल्कुल, एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, अगर सरकार का जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है जो कि बहुत बड़ा बड़ी सी राशि है, वो पैकेज है, उस पैकेज का क्या असर दिखता है इसमें, जो सवाल अभी आप पूछ भी रहे थे। देखिए अगर हम लोग इसका पूरा विश्लेषण करें, इसमें सरकार के व्यय में इस फर्स्ट तिमाही में गवर्नमेंट के व्यय में कम से कम इसकी 16% की वृद्धि हुई है, और अगर इसके जीडीपी में इसको जोड़ते हैं तो कम से कम उस कारण से 28 से 30% जो है जीडीपी का हिस्सा बनता हुआ हम लोग देख पाते हैं। तो वो एक यहाँ पे जो उस पैकेज का थोड़ा सा प्रभाव हम लोग को दिख रहा है जीडीपी के ऊपर। लेकिन अनुजी एक चीज समझना पड़ेगा कि जो जीडीपी वो जो पैकेज था तो वो राशि ऊपर तौर पे काफी बड़ी राशि दिख रही थी, उसमें जो भारत सरकार ने जो राशि शामिल की, हम लोग जानते हैं कि इस दरमियान में रिजर्व बैंक ने बार बार एक तरह से रेपो रेट में कमी की, चूंकि रिजर्व बैंक मार्केट में लिक्विडिटी लाना चाह रहा था, रिजर्व बैंक का ये था कि एक अप्रशासित घटनाक्रम से भारत गुजर रहा है, ऐसे में मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं हो, तो रिजर्व बैंक के प्रयासों से जो लिक्विडिटी आने थी 8.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी को भी उस फंड में छोड़ा गया है। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जब रिजर्व बैंक और बैंकों की मीटिंग हो रही है, हम लोग ये चीज पा रहे हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ने वो ब्याज दरों में छूट दी, वो एक तो जनरल बैंकों तक ट्रांसफर नहीं हो रहा, और अगर बैंकों का भी ये कहना है कि हमारे पास कोई लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है। जी जी। लेकिन उल्टे जो बचत जो हम लोग बचत करता लोग हैं बैंकों में, जो हम लोग बचत कर रहे थे, उनके उनको जो है कि कट्स का नुकसान भी हुआ है। बहुत सारे कैलकुलेट करने के लिए कई ऐसी चीजें हैं और कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें जोड़कर देखा जाए कि किस तरह से सेहत अच्छी नहीं है। और डॉक्टर संजीव लायक, इस वक्त जो ये टेम्परेचर मैं इसे कहूंगी की अवस्था का, ये कैसी हालत बताता है, हेल्थ कैसी बताता है ये टेम्परेचर जो जीडीपी के नंबर के रूप में हम देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ये भी कहा गया है कि इस पूरे लॉकडाउन की और जो ये आंकड़े हैं इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ती असंगठित क्षेत्र के ऊपर दिख रही है, तो आप कैसे उस पूरे सेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं? धन्यवाद। मैं सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योग को रिप्रेजेंट करता हूं। जी, हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसको बोला जाता है कि किसी भी कंट्री का एक रीढ़ की हड्डी है, जो 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 70 से 80% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये स्वाभाविक था कि जो आपका लास्ट तिमाही का नतीजा आया है, ये स्वाभाविक था, इतना गिरना ही था, पूरा लॉकडाउन था और किसी के पास कोई काम था नहीं, कोई ऑर्डर भी था तो वो ऑर्डर को सप्लाई नहीं हो पा रहा था, और ये इकोनॉमी को हिट किया है, ये कोविड जो है कि हमारे इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी सभी इकोनॉमी को हिट किया है और डिसरप्ट भी किया है बिजनेस को। बट ये क्यों, इस क्वार्टर में आप देखेंगे इकोनॉमी फिर बाउंस बैक होगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स को जो हिट किया था, अब धीरे धीरे क्या है कि अनलॉक हम 4 के तरफ चल पड़े हैं, 4-5, और इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्टिविटीज अब से फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो इस तिमाही में और अच्छा होने की संभावना है। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी इकोनॉमी का जो पहिया है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, अनलॉकिंग हो रही है, अब दोबारा से जो उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आ रही हैं पटरी पर, तो बेटर होने की उम्मीद की जाए। क्या यामिनी जी आप देखती हैं कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए कि जितने फैसले उन्होंने कोरोना से पहले थे, कोरोना काल से पहले लिए थे, जो भी इंट्रोड्यूस पैकेजेस किए थे और उसके बाद किए थे, उनका असर दिखने में समय लगेगा, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए जीडीपी की बेहतरी देखने के लिए? जी देखिए, जितना भी इकोनॉमिक पैकेज लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि एक सस्टेन लेवल रह सके और लोगों तक पैसा मुहैया कराया जा सके। चाहे आप मॉनेटरी बात करें या फिस्कल स्टांस की बात, वल्नरेबल ग्रुप्स जो लोग बिल्कुल ही जो है जिनके पास पैसा नहीं है, उन तक पैसा पहुंचाने की बात की गई थी।
और एमएसएमई को लोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी क्योंकि उनके पास कोई जो है वर्किंग कैपिटल के जरिए थे। तो ये जितना भी पैकेज चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था या बाकी के सेक्टर्स में था, वो अभी कोविड से उभरने के लिए लिया गया था। उसका असर अगर आप देखें तो एक सस्टेनेबिलिटी पे रहेगा कि जो है जितने भी बिजनेस है उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और वो इसको बाहर ना निकालें अपने व्यापार से और वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें। आप ये कहें कि वो बिल्कुल जीडीपी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल है। अभी सस्टेनेबिलिटी ही थोड़ा मुश्किल काम है जी। और बिल्कुल, और ये काफी चीजें इस बात को, और बाकी अगर देशों की जीडीपी के आंकड़ों को बयां करूं तो जो बातें आप कह रहे हैं, जो पॉइंट्स आप रख रहे हैं, वो वाकई वैलिड नजर आएंगे। जिस तरह भारत की इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन जैसा कि राहुल लाल जी ने कहा कि हैरानी नहीं है, बाकी देशों पर क्या असर पड़ा है अपने दर्शकों के लिए ये भी मैं बता दूं कि उनकी जीडीपी इस वक्त क्या कह रही है। अमेरिका की जीडीपी इस वक्त -10.6 पर है, जर्मनी जो है वो -11.9 पर है, इटली 17.1 माइनस में, और भारत है -23.9। तो भारत की स्थिति ऐसी क्या है राहुल जी? ये जो लॉकडाउन या फिर अर्थव्यवस्था का पहिया रुक जाना है, ये सभी देशों के लिए था, लेकिन भारत का इतना बुरा असर क्यों पड़ा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लॉकडाउन से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से उसके पास चुनौतियां खड़ी थी, और हम लोग उसमें भी लगातार पिछले साल से ही आप देखें कि जैसे कि इस सरकार ने राजनीति के क्षेत्र में कई बड़े निर्णय लिए और बड़े ऐतिहासिक किस्म के निर्णय लिए अनु जी। लेकिन अगर मैं पिछले साल जाऊं तो सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दो बड़े निर्णय लिए थे। एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया था बैंकों के विलय से संबंध, मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ। देखिये, बैंकों का विलय अच्छा है खराब है ये बहुत अच्छी चीज है, वो एक बात का चीज है, लेकिन इस तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं वो तब लिए जाते हैं जब आपका अर्थव्यवस्था काफी अच्छे के साथ ग्रो कर रहा। लेकिन अभी जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी, तब आप बैंकों को आपस में विलय करने की चीज कर रहे हैं, तो बैंक अपनी एनर्जी अपने आंतरिक क्षमता में लगा रहा है और वो बाहर जो उसको मार्केट के साथ तालमेल करना था कहीं कहीं वो कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी। दूसरी चीज देखिए अनु जी, जो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में, ठीक है, पिछले साल भी अगर हम लोग समस्या को देखें जो है वो डिमांड साइड में थी। हम लोग देख रहे थे कि कंपनी उत्पादन कर रहे थी, उत्पादन डिमांड नहीं, तो लेकिन सरकार ने जो वो भी बुलिया वो सप्लाई साइड पे वो गुस्सा दिया। वो अगर सरकार उसके स्थान पे अगर निकले कंज्यूमर लेवल पे उनके प्रॉफिट को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करती तो मार्केट में डिमांड और ज्यादा होता। जैसे अभी भी यही समाधान है, जैसे सरकार ने कई स्तर पे पैसे दिए हैं या फिर कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसे दिए हैं, तो आपको इस तरह के स्कीम्स को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा जी। तो एक बड़े स्तर का निर्णय अब समय आ चुका है, सरकार इसको अर्थव्यवस्था को उसी स्तर पर परिता दे जिस प्रकार से सरकार राजनीतिक मामलों को परिता देती है। क्योंकि आपका सवाल था कि आखिर हमें यहाँ से आगे का भविष्य क्या देखें, अगर भाई अप्रैल मई जून बीत गया सही है कि यहाँ से आगे चूंकि लॉकडाउन खुला है तो अब ये स्थितियां नहीं रहेंगी, अगले तिमाही में स्थितियां बदलेंगी। कुछ आड़े ऐसे हैं जिस पर सरकार और नीति निर्माताओं को सावधान होने की जरूरत है। अगर जून स्थिति जो है वो रिकवर मामले में काफी बेहतर रही, चाहे आप जीएसटी का देखें लगभग लगभग 91,000 करोड़ रुपया के आसपास का जो है कि उसमें हुआ, लेकिन अगर आप जुलाई में आते हैं वो 87,000 करोड़ रुपया के आसपास हो जाता है। या दूसरे और भी कई इंडिकेटर्स देखते हैं, जुलाई में आपकी स्थितियां थोड़ी बिगड़ी जबकि सबों को अपेक्षा थी कि जुलाई में स्थिति जून से और बेहतर हो। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो हम लोग क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत 50 के आंकड़ा, अगर 50 के ऊपर का आंकड़ा हम लोग मानते हैं उत्पादन काफी बढ़ रही है। हम लोग ये मानते हैं कि कंपनियां इस तरह से क्या खरीद कर रही हैं आंकड़े को हम लोग जी। अगर अगर इस आंकड़े को संक्षेप में देखा कि जो जून के ये आंकड़े थे वो भारत 46% पे था और ये जून में 47.2% था भारत। तो अब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई में 50% पहुंचेगा, लेकिन जुलाई में फिर घट के 46% पहुंच गया। जबकि अगर हमारे पड़ोस में अगर चीन के आंकड़े लेते हैं तो वो जून में 51% था और जुलाई में 52% था। तो इसलिए ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, सरकार को संवेदनशीलता के साथ देखे फिर हम लोग भविष्य का एक अच्छा प्लान बना सकते। बिल्कुल
भविष्य का अच्छा प्लान बना सके, और उसके लिए कई ऐसे नारे भी हैं जो कि देश की सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जैसे वोकल फॉर लोकल, और जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नारा है और उससे जुड़े सेक्टर से डील करते हैं डॉक्टर संजीव लायक। तो डॉक्टर संजीव लायक, बताइए कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये जो तमाम नारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और साथ ही जो वर्किंग सेक्टर है उसे उसका साथ देने के लिए जो दिए गए हैं, ये कितने लाभकारी आपकी नजर से साबित हो सकते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाएंगे? देखिए, वोकल फॉर लोकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे बड़ा जो ये है कि जो चाइना एक पूरे वर्ल्ड से एक ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है और इमेज भी बहुत ही खराब हो चुका है, और ये दिस इज एक बहुत ही बड़ा मौका है एमएसएमई के लिए अपने आप मजबूत करें और वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट के लिए जाए। इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है एंड उनको सपोर्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ जो इनिशिएटिव्स, इस बार आपने देखा होगा कि मन की बात में उन्होंने खिलौने उद्योग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे बोले कि अपने कीजिए। अभी आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गया एंड अदर सेक्टर्स अच्छे तरह से आपका ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है कि इकोनॉमी बढ़ेगा, ये एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा मौका है सभी क्षेत्र में। डिफेंस में आप देखेंगे कि बहुत सारे एमएसएमईज को मौका दिया गया है सो दैट कि वो अपने प्रोडक्ट को वहां पर सप्लाई कर सके, तो इंडियन एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और हमारा बहुत ही ज्यादा इसमें ये है कि ये बाउंस बैक करेगा और एमएसएमई बहुत ही अच्छे को सपोर्ट करेगा इकोनॉमी में। एक बात है कि ये कोरोना के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंज लेके आए एमएसएमई के लिए, एक लेयर तो एमएसएमई का आपको खत्म हो जाएगा, ये आपको मानना पड़ेगा, वो बंद कर देंगे, बट जो नए आएंगे या रिमोडिफाई या अलग सेक्टर्स पे जाएंगे वो बाउंस बैक करेंगे एंड सेकंड क्या है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इस तरह से क्या है कि इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल, इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, और जिस बात का जिक्र राहुल लाल जी ने कहा किया है और डॉक्टर संजीव लायक ने भी कहा है कि जिस तरह से हम वोकल फॉर लोकल की प्रथा को अगर बढ़ाएंगे तो इससे फायदा हमारे असंगठित और छोटे क्षेत्र को होगा, और इसे ही फायदा देने के लिए यामिनी जी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए और जो देश के अंदर निर्मित छोटी छोटी जो संस्थाएं जो बनाती हैं प्रोडक्ट उनको ज्यादा प्रचलित किया जाए, लेकिन इसका असर चाइना की इकोनॉमी पर नहीं पड़ रहा, सिर्फ चाइना की इकोनॉमी है जो कि पॉजिटिव है, तो आखिर ये चाइना कैसे कर पा रही है, इसे आपने कैसे कैलकुलेट किया? जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी का जो अभी रेट है या आगे आने वाले सत्र ग्रोथ रेट होगा वो डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी वापस कैसे रिकवर करती है और अपना पूरी एक्टिविटी पे कैसे जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी भी फियर काफी है और उसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, ह्यूमन ट्रायल्स तक बात पहुंची है, रूस ने कहा है उनके पास वैक्सीन है पर अभी वैक्सीन नहीं है, इसकी वजह से लॉकडाउन देशों में कंटिन्यू है ना, कि ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, जैसे इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है पर क्योंकि लोगों के पास अभी पैसा कमाने का जरिया नहीं है या उनके सैलरीज में कट हुए हैं या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे गानों पे देखें या कहीं और देखें वो कम है, उसका असर ज्यादा भारत पे पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था में जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे, चाहे जीडीपी ग्रोथ रेट कम था क्योंकि ग्रोथ रेट कम थे, फिर भी एक स्ट्रांग लेवल पे था, और ये मानना कि व्यवस्था क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी स्ट्रांग है और ओवरऑल सेक्टर्स चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, उनमें काफी ग्रोथ रेट देखे गए हैं, अच्छे ग्रोथ रेट और काफी स्ट्रांग रिफॉर्म्स लाए गए हैं, माना जा रहा है कि उसकी डेवलपमेंट का इफेक्ट आने वाले सालों में IMF या वर्ल्ड बैंक ने आंका है कि 2021 में पहुंचना चाहिए जब ये कोरोना वायरस का असर कम होगा। बिल्कुल,
और आखिर में, क्योंकि राहुल जी समय की थोड़ी कमी है, जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जीडीपी ग्रोथ को दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ ऐसे सुझाव हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए हैं कि मॉरिटोरियम की जो समय सीमा है उसे कुछ संबंधित क्षेत्रों के लिए, सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए बढ़ा दिया जाए, 2 साल तक कर दिया जाए, इस तरह के भी संकेत हैं। तो ऐसे कौन से कदम आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए उठाने चाहिए? देखिए, मॉरिटोरियम के मामले में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार ने पक्ष रखा है, तो वहां पे सरकार ने कहा है कि हम लोग इसे कई सेक्टर्स में अगले 2 साल तक बढ़ाना चाह रहे हैं जी। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि फिर इसमें यह भी चीज देखना पड़ेगा कि इससे जो बैंकिंग क्षेत्र को जो प्रभाव पड़ेगा उससे निपटने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, और उसमें बैंकों में बैंकिंग क्षमता हमारी उसके कैपेसिटी पे असर ना पड़े, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए अनुजी, इसके लिए जो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को परचेजिंग पावर कैपेसिटी अपना बढ़ाना पड़ेगा। एक बड़ी जनसंख्या और आबादी वाले क्षेत्र हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग आंकड़े देखते हैं CMIE के ही आंकड़े देखते हैं, तो कम से कम 2 करोड़ लोग जो है कि अभी बेरोजगार हुए हैं यहाँ पे। तो हमें रोजगार सृजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के पॉकेट में पैसे हैं वो डिमांड करें, जिससे कि प्रोडक्शन और हो, और प्रोडक्शन हो तो और लोगों को रोजगार मिले, तो एक पॉजिटिव रूप से साइकिल चले। अभी साइकिल जब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट आपका निगेटिव होता है तो आपका साइकिल अभी निगेटिव चल रहा है। तो सरकार का हस्तक्षेप एक तो निचले तबके के लोगों का सहयोग करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं पर जो सरकार ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, आवश्यक है कि उन घोषणाओं को जमीन पे वो क्रियान्वित करें, तो इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए रोड बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, अलग अलग और भी सेक्शन का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे दूसरे कई सारे औद्योगिक गतिविधियों को, आपके कच्चे माल को, उसको गतिशीलता मिलती है उसको। तो ये कुछ बेसिक कदम है जिसको कि सरकार को त्वरित तौर पे उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, और जब ये उठाए जाएंगे और इनका असर, जैसा कि यामिनी जी ने भी कहा है कि अभी जो कई इस तरह की पॉलिसीज हैं जो लागू की गई हैं और कई राहत पैकेज हैं दिए गए हैं, उनका असर आते समय देखा जाएगा, आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या असर रहता है और जीडीपी पर इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज इस पर समीक्षा हम करते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संजीव लायक, यामिनी जी और राहुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो माइनस में है, और ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं। और जिस तरह से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ओर से भी कहा गया है कि वाकई ये जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले नहीं हैं, लगातार देश की सरकार को चेताया गया था कि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे में समय देने की भी जरूरत है। देखना होगा कि भविष्य में अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह के और आंकड़े सामने आते हैं और किस तरह की और तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।